वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अमेजोन क्लाउड वॉच लॉग्स। तो आप इसे कह सकते हो थोड़ी एडवांस मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल, आपका सिस्टम है, जैसे उसमें जो लॉग्स बनते हैं हमारे लिनक्स में, वो वेयर लॉग मैसेजेस में बनते हैं, और सेम लाइक वेब सर्वर के लॉग्स हैं तो वो ETC उसके HTTPD लॉग्स हो सकते हैं। तो आपको, अब जैसे आप यहाँ देखिए डेफिनेशन, अमेजोन क्लाउड वॉच लॉग्स टू मॉनिटर स्टोर एंड एक्सेस योर लॉग फाइल फ्रॉम द EC2 इंस्टांस। ठीक है, तो जो भी लोकेशन है, वो चाहे वेयर लॉग मैसेजेस हो, चाहे वेब सर्वर के लॉग्स हो, चाहे प्रॉक्सी सर्वर्स के लॉग्स हो, वट एवर कुछ भी लॉग्स हो सकते हैं, तो वो आप EC2 इंस्टांस के लॉग क्लाउड वॉच में ग्रुप क्रिएट करके उसके अंदर मॉनिटर कर सकते हो, और उसके बाद आप उसके कस्टम मेट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो डेमो आप देखिए, तो स्टार्ट करते हैं डेमो से। क्लाउड वॉच लॉग्स बनाने से पहले आपको एक रोल क्रिएट करना है। क्लाउड वॉच रोल का नाम कुछ भी दे दीजिए, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, क्लाउड वॉच लॉग्स फुल एक्सेस, इस नाम से रोल क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपको रोल क्रिएट या पॉलिसी क्रिएट करना नहीं आता, ऊपर आप आई बटन में जाके प्रेस कर सकते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी रोल्स क्या होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। तो आपको सिर्फ ये रोल बनाना है, तो मेरे रोल का नाम है क्लाउड वॉच लॉग रोल। ठीक है, अब स्टेट स्टार्ट करते हैं। पहले EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं एक वेब सर्वर का। यहाँ पे गए, मैं मुंबई रीजन में हूँ, तो लॉन्च इंस्टॉल करा हमने। मैं अपना VPC चूज कर लूंगा इसमें, और वेब सर्वर हमारा बूटस्ट्रैप से इंस्टॉल हो जाए, तो वो कमांड्स मैं इसमें जस्ट ऐड कर दूंगा। बाकी ये दोस्तों सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, ऊपर आप आई बटन में जाके किसी भी टॉपिक पे वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो VPC हो, तो चाहे वो वेब सर्वर, इसमें 22 पोर्ट इनेबल है और 80। ठीक है, हमारा वेब सर्वर रेडी हो गया, इसे कॉपी करते हैं, एक्सेस करके देखते हैं। ये देखिए, हमारा वेब सर्वर रेडी हो गया। तो हमारे वेब सर्वर की मशीन रेडी होगी EC2 इंस्टांस में। तो अब सबसे पहले क्या काम करना है, हमने वो जो रोल बनाया था, ठीक है, वो रोल बाइंड करना है इस मशीन में। तो एक्शन में गए, सिक्योरिटी में गए, मॉडिफाई IMA रोल, उसमें चूज कीजिए क्लाउड वॉच, ये बनाया था मैंने क्लाउड वॉच लॉग रोल, और ये अप्लाई कर दीजिए इस पर। ठीक है, हमारा रोल अप्लाई हो गया। अब आप क्लाउड वॉच लॉग्स के लिए, अब आप सर्विसेज में आइए और क्लाउड वॉच पे चले जाइए, रिसेंट विजिटर्स में आ जाएगा, जब मैनेजर में क्लाउड वॉच यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से चलते हैं।
तो यहाँ पे लॉग्स ग्रुप में आ जाइए। तो देखिए अभी कोई लॉग ग्रुप मेरा क्रिएट नहीं है, तो यहाँ मैं पहले करूँगा क्रिएट लॉग ग्रुप। तो लॉग ग्रुप का नाम मैं रख देता हूँ, जैसे मेरी प्रोडक्शन मशीन है, प्रोडक्ट रख देता हूँ इसका। रिटेंशन जो भी आप करना चाह रहे हो, नेवर एक्सपायर ऑप्शनल, वो नेवर एक्सपायर कर देते हैं, क्रिएट कर दिया से प्रॉड ग्रुप का नाम। अब मैंने ग्रुप का नाम सिलेक्ट कर लिया, अब इसका लॉग स्ट्रीम क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो यानी कि सब डायरेक्टरी है क्या उसके अंदर, तो प्रॉड मेरी डायरेक्टरी होगी, ऐसी आपकी टेस्ट डायरेक्टरी हो सकती है, तो टेस्ट सर्वर हो सकते हैं, तो आप टेस्ट का लॉग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर लॉग स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम लाइक प्रोडक्ट की, तो प्रॉड में जैसे, तो यहाँ पे लॉग स्ट्रीम आ गया, तो लॉग स्ट्रीम नेम दे दीजिए, जैसे वेयर लॉग मैसेजेस था मेरा, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ सिस्टम लॉग, बोल देता हूँ सिस्टम लॉग, क्रिएट कर लिया। ऐसे ही अगर कोई और क्रिएट नहीं है तो जैसे वेब लॉग क्रिएट कर लिया। ऑलराइट, तो ये हमारी दो सब डायरेक्टरी क्रिएट होगी प्रॉड के अंदर, लॉग ग्रुप्स के अंदर। ऑलराइट, तो अभी हमें क्या करना है, अभी उससे पहले हमें अपने इंस्टांस को एक्सेस करना है और उसमें कुछ टूल्स इंस्टॉल करने हैं। मैं पुटेगा सेशन ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा सिस्टम मेरा स्लोअर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो जस्ट बियर विद मी फॉर अ मोमेंट। मशीन अप हो गया मेरी, एक सेकेंड। तो ये मैं मशीन में लॉगिन हो चुका हूँ, इसमें वेब सर्वर है मैं हमारे, आप देख सकते हैं। अब टाइम इसका सिर्फ 5 मिनट और कैट। चलिए अब पहले टूल वो इंस्टॉल करते हैं, यम इंस्टॉल AWS LOGS लॉग्स एंड वाई। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हमें इसकी कॉन्फ़िग फाइल मॉडिफाई करनी है, तो कॉन्फ़िग फाइल मॉडिफाई करने के लिए आप CD /etc/AWS logs के अंदर आ जाइए, यहाँ पे लॉग फाइल होगी। ओके, तो AWS logs, तो ये देखिए इसका डिफॉल्ट सेक्शन रहा, सबसे लास्ट में आ जाएंगे तो हाँ, ये देखिए ये वेयर लॉग मैसेजेस था। ठीक है, और लॉग ग्रुप नेम आ गया आपका। ठीक है, तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो कि लॉग ग्रुप नेम क्या है आपका। तो मैंने ये लॉग ग्रुप नेम रखा था प्रॉड। ठीक है, प्रॉड PROD,
और लॉग स्ट्रीम नेम क्या रखा था मैंने, एक सेकंड, लॉग स्ट्रीम सिस्टम लॉग, ठीक है, तो इसे दे देंगे सिस्टम लॉग। SYSTEM LOG सिस्टम लॉग, ठीक है। और बाकी लोकेशन तो यही है मेरी, वेयर लॉग मैसेजेस, और फाइल नेम भी वेयर लॉग मैसेजेस ही रहेगा। इसके चले जाएं सिस्टम लॉग के अंदर, लॉग स्ट्रीम के अंदर, और लॉग ग्रुप का नाम है प्रॉड, PROD, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक चीज और वेरीफाई करनी है यहाँ पे कि आपका, सॉरी, इसे मैं लॉग ही था सिस्टम, इसे सेव कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज और वेरीफाई करनी है, वो है इसका CLI में तो रीजन क्या है मेरा, तो मेरा रीजन मशीन का क्या था। वापिस आता हूँ, EC2 इंस्टांस में आता हूँ, रनिंग इंस्टांस में आया भाई, AP South 1। तो ये हम चेंज कर देंगे यहाँ पे, सॉरी, AP South 1, ठीक है। मेरा रीजन मुंबई है तो 1 ही दे दिया। फिर इस फाइल को कर दिया सेव। उसके बाद हम करेंगे सर्विस रीस्टार्ट। तो सर्विस है इसकी AWS लॉग LOGST, रीस्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी सर्विस होगी स्टार्ट, सर्विस होगी हमारी स्टार्ट, ओके। तो अब चलते हैं हमारे, किस में जा रहा था, सर्वर लॉग। अब आ जाते हैं हमारे क्लाउड वॉच के डैशबोर्ड पे दोबारा, और लॉग ग्रुप, प्रॉड, और ये देखिए लास्ट इवेंट सिस्टम लॉग्स, लॉग इवेंट। ये देखिए मशीन ने लॉग भेजने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट स्टेप, कैसे आप लॉग ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर लॉग स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो, सॉरी, लॉग ग्रुप एंड लॉग स्ट्रीम्स। तो ये कुछ भी हो सकता है सिस्टम, जैसे मेरे सिस्टम लॉग था इसमें जाए, वेब सर्वर के लॉग दूसरे में जाए, तो डायरेक्टरी आप डिफाइन कर सकते हो। और आपको मैन्युअली सर्विस स्टार्ट करनी है, सर्विस स्टार्ट होने के बाद ये आपका सीधा यहाँ पे पुश करने लग जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम उसमें कस्टम मेट्रिक्स बनाएंगे तो जो आपको अलर्ट सेंड करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।